हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिव्यूज़ अड्डा में। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके और उसकी जानकारी आपको मिल सके। और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं अपने चैनल पर फ्यूचर कार्ट स्टेनलेस स्टील ईयर पिक वैक्स क्लीनर स्कूप टूल का। तो वीडियो शुरू करते हैं आइए दोस्तों, और बताते हैं कि इससे हम कान की सफाई कैसे कर सकते हैं, इसको हम कहां से परचेज़ कर सकते हैं, इसकी MRP कितनी है और इससे कान की सफाई कैसे हम करते हैं, तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस ईयर क्लीनर टूल के बारे में, जिससे हम अपने कान की सफाई हम कर सकते हैं, ईयर क्लीनिंग होती है। ये बहुत बढ़िया टूल है, पुराने समय में भी लोग इसको यूज़ करते थे, लेकिन पहले ये तांबे के बने आते थे, लेकिन अब ये सब ख़त्म हो गया, तो अब ये आयरन के बने आते हैं जो कि इस तरीके के होते हैं, और आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, और इसका नाम मैंने आपको बता चुका हूँ, फ्यूचर कार्ट स्टेनलेस स्टील एयर पिक वैक्स क्लीनर स्कूप टूल, जो कि हमारे कान को साफ़ करने के उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, इससे हम अपने घर पर ही रहकर अपने कान की सफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बार पहले बता दूँ कि जब भी आप सोचें इसको परचेज़ करने के लिए, या पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप सोचें कि मुझे अपने कान की सफाई करनी है, तो पहले अपने कान में गर्म सरसों का गुनगुना तेल डाल लें, ताकि जो कान के अंदर का मैल हो उसको साफ करने में हमें दिक्कत ना हो, वो थोड़ा फूल जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से सफाई हो पाएगी। तो ये सब करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टूल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम परचेज़ कर सकते हैं फ़्लिपकार्ट से। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे कान में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने भी सफाई की और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों, और इसकी MRP जो है, इसकी MRP है 259। 259 का मैंने ये लिया था, और ये बहुत अच्छे बॉक्स के अंदर आता है, बहुत अच्छा बॉक्स है प्लास्टिक का, इसके अंदर ये आता है। और इसको अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप भी परचेज़ कर सकते हैं। और इसको मैं दिखा देता हूं कि ये किस तरीके का होता है, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूं बॉक्स को। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने खोल लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि पहले मैं दिखाऊंगा आपको इसका बॉक्स की क्वालिटी देखिए, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर इसमें लॉक भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको लॉक कर सकते हैं और आराम से सेफली किसी भी जगह पर, अच्छी जगह पर रख सकते हैं। तो इसमें ये तीन टूल दिए हुए हैं, 1, 2, 3, तो तीन टूल दिए हुए हैं एयर क्लीनिंग के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तो ये है थोड़ा छोटा, ये आगे से देख सकते हैं थोड़ा पतला है, तो ये आता है बच्चों के कान को साफ़ करने के यूज़ में। जैसे बच्चों के कान का जो छेद होता है, जो होल होता है, उसमें ये पतला वाले से हम सफाई कर सकते हैं। ये देखिए, एक तो ये होता है, इससे जो हम बच्चों के कान की सफाई कर सकते हैं। और ये पीछे आप देखिए, ये जो दिए गए हैं, ये जो दिया गया हिस्सा, इससे आप अपने कान को खुजा सकते हैं, हल्की फुल्की खुजली होती है जैसे, ये इससे हम खुजा सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा ये मीडियम वाला, ये देखिए दोस्तों, इसमें पकड़ने के लिए भी ये ऐसे आप उंगली रख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा दिया गया है। तो ये इससे थोड़ा बड़ा साइज है, ये आप देख सकते हैं, तो ये 18 से 35 साल तक के लोगों को कह सकते हैं, तो ये उसके लिए, ये बड़ों के लिए, इससे कान साफ कर सकते हैं आप अपना। और ये उससे भी थोड़ा सा बड़ा है। ये तीन तरीके के दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कान का अंदर का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग होता है ना, सबका एक जैसा नहीं होता, तो ये तीन तरीके के दिए हैं, तो कोई ना कोई तो लगेगा हमारे कान में, कोई ना कोई तो सही बैठेगा।
तो उस हिसाब से ये दिया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको ख़रीदना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि नॉर्मली हम आम लोग सोचेंगे कि यार हम तो माचिस की तिल्ली से भी साफ़ कर लेते हैं, कोई सीख लेके भी साफ़ कर लेते हैं। ज़रूरी ये होता है कि देखो कई बार हम तिल्ली से साफ़ कर रहे होते हैं तो अंदर कई बार टूट जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, वो फंस जाती है, या कॉटन बड से हम कर रहे होते हैं तो रुई भी अंदर रह जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, इसमें जो ये चीज़ें बनी हुई है ना, आगे जो स्पेस बना हुआ है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छे से मैल को साफ़ कर सकता है। कॉटन बड इतना अच्छा नहीं कर सकता, माचिस की सीख या तिल्ली से हम इतना साफ़ नहीं कर सकते। इससे इतनी अच्छी सफाई होती है कि कान का करीब करीब 90.9 मैल बाहर आ जाता है और फिर लंबे समय तक साफ़ रहता है। तो मैंने ये परचेज़ किया फ़्लिपकार्ट से, आप भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि आजकल समस्याएं होती रहती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम, घरेलू प्रॉब्लम होती रहती हैं, बच्चों के कान में दर्द हो जाता है या गंद हो जाता है कान में, मैल हो जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए हम थोड़ी प्रॉब्लम में हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप सबको भी बताया जाए कि कैसे हम घर पर इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और इसके लिए क्या टूल है। तो इसके लिए यही टूल है, ईयर क्लीनिंग टूल, जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया। आप भी ख़रीद सकते हैं इसको। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमें बताएं। थैंक यू सो मच।